दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोजाना देखे गई चीजें कैसी बनाई जाती है उसके बारे में, जिन्हें देखकर आपको ज्ञान और मन में राहत जरूर आएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पे आता है ट्यूबलाइट बनाने की मशीन। दोस्तों घरों, दुकानों और कई चौराहों पर उजाला चाहिए होता है, तो हम ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। पूरी दुनिया भर में इसका उपयोग जोरों शोरों से किया जाता है। हमें पता है कि इनमें मर्क्यूरी गैस मौजूद होते हैं, पर ये बनते कैसे है चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सर्किट बोर्ड को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जिस पर कॉपर प्लेट्स के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मौजूद होते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से सर्किट बोर्ड को एक मशीन के तरफ भेजा जाता है, जहां वह मशीन सर्किट बोर्ड पर मेटल स्टेंसिल का कवर लगाने का कार्य करती है। अब कवर लगने के बाद वह मशीन लीड फ्री टिन एलॉय भी उस बोर्ड पर लगाती है। अब यह सर्किट बोर्ड जाती है एक दूसरी मशीन के पास, जहां सर्किट पर एलईडीज, जिस पर माइक्रोचिप्स मौजूद होते हैं, उसे लगाने का कार्य करती है। और ये एलईडी लगाने का कार्य कितने तेजी से कर रही है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। यह मशीन एक घंटे में 40,000 एलईडी प्लेस करने की शक्ति रखती है। अब ये सर्किट बोर्ड एक और मशीन के पास जाते हैं, जो सर्किट बोर्ड पे टर्मिनल कनेक्ट करने का कार्य करती है। और अब ये सर्किट बोर्ड एक अंतिम मशीन से गुजरते हैं, जहां कंपोनेंट्स को हीट करके सर्किट बोर्ड पर फ्यूज किया जाता है। और ये हीटिंग का प्रोसेस 400 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अब ये सर्किट बोर्ड से एलईडी के स्ट्रिप्स निकाले जाते हैं और फिर एलईडी ट्यूब में डालकर कनेक्ट किया जाता है, और फिर तैयार हो जाता है यह एलईडी ट्यूब आप तक रोशनी पहुंचाने के लिए। नंबर दो पे आता है क्रेयॉन्स बनाने की मशीन। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट चित्रों को आकर्षित चित्रों में तब्दील किया जाता है क्रेयॉन्स की मदद से, जिन्हें हम सब लोगों ने बचपन में तो इस्तेमाल किया ही होगा। तो अब हम बड़े हो गए, तो अब चलो जानते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सर्वप्रथम वैक्स, जिसे मोम भी कहा जाता है, उसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है। अब उसके अंदर स्टेरिक एसिड, कलर पिगमेंट्स और एक सीक्रेट पाउडर को डालकर मिक्सर को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, वो भी तकरीबन 45 मिनट के लिए। अब ये मिक्सर को डाला जाता है क्रेयॉन मोल्ड में, जहां ये मशीन में मौजूद खांचे की मदद से क्रेयॉन्स को उनका आकार मिल जाता है। ये मोल्ड को ठंडे पानी में रखा जाता है, जिसके मदद से यह मिक्सर बस कुछ मिनटों में ही क्रेयॉन के आकार में जम जाते हैं। और मशीन के ऊपरी तल में मौजूद प्लेट से क्रेयॉन्स के मिक्सर को निकालकर रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। अब जैसे ही मिक्सर कड़क होकर क्रेयॉन्स में तब्दील हो जाते हैं, वैसे ही एक कलेक्टर मशीन मोल्ड से क्रेयॉन को कलेक्ट करती है और पैकिंग के लिए एक दूसरे मशीन की तरफ भेज देती है, जहां पर क्रेयॉन्स पर ग्लू लगाकर टैग लगाया जाता है। और फिर इन क्रेयॉन्स को पैक करके आपके नजदीकी स्टेशनरी के दुकानों में भेज दिया जाता है। नंबर तीन पे आता है पेंसिल बनाने की मशीन। एक और चीज जिसे दुनिया भर में लगभग हर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पेंसिल बनती तो लकड़ियों से है, पर कैसे फैक्ट्रीज में यह लाजवाब कार्य होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ मिक्स करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके बाद वो मिश्रण को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जो मिश्रण को प्रेस करके उसे लीड का रूप देती है। अब वो लीड को एक बॉक्स में डालकर एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जो हाई टेम्परेचर में मेंटेन की गई होती है। अब वो लीड को भेजा जाता है फायरिंग सेक्शन में, जहां उन्हें थोड़ा आगों से रूबरू करवाया जाता है और फिर तैयार हो जाता है पेंसिल के लीड। अब पेंसिल का लकड़ी वाला भाग बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों के प्लाई पर खांचे तैयार किए जाते हैं।
ताकि पेंसिल की लीड उस पर रखी जा सके। अब उन खाचों के अंदर ग्लू लगाया जाता है, जिसके वजह से लीड लकड़ी के प्लाई के सही स्थान पर रखी जा सके। अब रखा जाता है लीड उन प्लाइज पर, और कितने परफेक्शन के साथ यह कार्य होता है वो तो आप देख ही सकते हो। अब जो प्लाई पर लीड डाला हुआ होता है, उस पर एक दूसरे प्लाई का कवर डाला जाता है, जिससे लीड सैंडविच हो जाता है दो प्लाई के बीच। अब उन्हें रख दिया जाता है ड्राई व्हील में सोखने के लिए, जिसके बाद सैंडविच स्ट्रक्चर को कट किया जाता है और फिर मिल जाता है हमें पेंसिल का रूप। अब इन पेंसिल को स्टैंपिंग और पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर तैयार हो जाता है आपका मन पसंदीदा पेंसिल। नंबर 4 पे आता है गोल्ड बनाने की मशीन। अब दोस्तों, गोल्ड की क्या तारीफ करना, इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कमी है, पर आज के समय इसके बढ़ते दाम की वजह से ये और भी मशहूर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह बनता कैसे। सर्वप्रथम माइनिंग का प्रोसेस आता है, इसमें जमीन के गहराई में मौजूद गोल्ड ओर को निकालने का कार्य चलता है। ये गोल्ड ओर लोड डिपॉजिट से निकाले जाते हैं, जो कि ड्रिलिंग के कार्य से उत्पन्न होता है। अब जैसे ही लोड डिपॉजिट प्राप्त होते हैं, तो उसमें कई तरह के मेटल्स डिपॉजिट होते हैं। इसमें से हमें गोल्ड के ओर से गोल्ड को अलग करना होता है। अब जैसे ही ओर प्राप्त हो जाता है, तो उसे कन्वेयर बेल्ट पर रख कर उसे पानी और साइनाइड के सॉल्यूशन में डालते हैं। जिसके बाद एक और मशीन इस मिक्सर को ग्राइंड करके कीचड़ जैसा रूप दे देती है। अब यह मिक्सर को एक टैंक में डाला जाता है, जिससे पानी मिक्सर के ऊपरी तल में आ जाता है और बाकी चीजें निचले तल में। अब पानी को अलग करके एजिटेटिंग टैंक में निचले तल में मौजूद तत्वों को डाला जाता है। एजिटेटिंग टैंक में साइनाइड गोल्ड और एयर का रिएक्शन करवाया जाता है, जो गोल्ड को मिश्रण में अच्छी तरह घुलने में मजबूर कर देती है। अब स्मेल्टिंग के प्रोसेस के लिए कई तरह के केमिकल पाउडर, जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, सिलिका, बोरेक्स और सोडियम नाइट्रेट को इस घुले गोल्ड के मिश्रण में मिक्स किया जाता है और फिर 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसे मेल्ट किया जाता है। मेल्ट हो जाने के बाद कचड़ों का एक लेयर कंटेनर में लावा के रूप में बन जाता है, जिसे स्लैग भी कहा जाता है। अब यह स्लैग को कंटेनर से अलग किया जाता है और इसका सैंपल लेकर चेक किया जाता है कि आखिर इसमें गोल्ड की मात्रा है या नहीं। अगर मौजूद होते हैं तो आगे की प्रोसेसिंग की जाती है, अगर नहीं तो भैया हमारा कार्य तो हो चुका। अब स्लैग को अलग करने के बाद उसी कंटेनर में बचे मिक्सर को वापस से 1600 डिग्री सेल्सियस तापमान में हीट किया जाता है और फिर उसे एक बार की आकार में तब्दील कर दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है गोल्ड बार, जिसे हम आगे थोड़ी और प्रोसेसिंग करके गहना या गोल्ड चेन बना सकते हैं। नंबर 5 पे आता है धागे बनाने की मशीन। दोस्तों, कपड़ा जिससे हम अपना अंग ढकते हैं, उसे धागे की मदद से बनाया जाता है। अब कैसे धागे को उसका रूप दिया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉटन, जो झाड़ों से निकाला जाता है, उसमें कई तरह के तत्व मौजूद होते हैं, जिसे क्लीनिंग एंड ब्लेंडिंग मशीन की मदद से साफ किया जाता है। अब ये क्लीनिंग के कार्य को फिनिशिंग देता है एक और मशीन, जिसके बाद साफ हो चुके कॉटन्स को एक जगह पर जमा करके रख दिया जाता है। अब इन कॉटन्स को एक पतले लेयर में तब्दील किया जाता है, जिसके बाद एक दूसरे मशीन की मदद से इस कॉटन लेयर्स को एक कॉइल में तब्दील कर दिया जाता है। अब इन्हें ड्राई मशीन से गुजारा जाता है। अब यह कॉइल को और पतला करने के लिए इसे स्ट्रेच एंड स्मूथ प्रोसेस से गुजारा जाता है। यह स्ट्रेच और स्मूथ का प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता है, जब तक हमें इच्छादायक पतला धागा ना मिल जाए तब तक। अब इन धागों को एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए वाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। वाइंडिंग मशीन सर्वप्रथम हर कॉलम में मौजूद धागों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पकड़ता है और दोनों को नॉब से अटैच कर देता है और फिर शुरू कर देता है धागों को वाइंडिंग मशीन पर मौजूद रोलर पर रोल करने का कार्य। अब यह रोलर्स के धागों को
पैक किया जाता है और भेज दिया जाता है क्लोथ इंडस्ट्री में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता रहूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।